हम जा रहे हैं मॉल रोड, अभी बज रहे हैं 7:26। अच्छा यार एक बात तो बहुत अच्छी है कि मनाली में इस टाइम भी चहल पहल है, और जब हम शिमला गए थे ना लास्ट टाइम यार 6 बजे तक ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान हो गया, बिल्कुल सन्नाटा, और हमें भी पता है खौफ आ रहा था क्योंकि ना 6 बजे सिर्फ ट्रक फोर व्हीलर वाले चला रहे थे, और पहाड़ों पे यार ज़्यादातर ना फोर व्हीलर वाले, मैं सबको नहीं बोलूँगी लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो टू व्हीलर वालों को कुछ समझते ही नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, देखते हैं, और हल्की हल्की ना बारिश हो रही है, देखें सामने से दिख रही है, पर यार थोड़ा सा तो रिस्क बनता है, और मतलब इतना अंधेरा नहीं है ना यहाँ पे ना, है मतलब सही है थोड़ा सा, देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश होने लगी तो हम रिटर्न मार लेंगे, पर रात का भी व्यू पता होना चाहिए ना कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम। मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली से कितने बजे भी निकलो, अगर 7-8 बजे तक पहुंच जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको होटल की डिटेल्स पूरी दे दी है, मेंशन कर दी है, बहुत रिजनेबल मिलता है वहाँ पे, सिर्फ 800 रुपये में आपको इतना लग्जरी रूम मिल जाएगा, मे बी जो कहीं और मिले, बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मैंने नंबर भी मैंशन कर दिया उनको। बताए कैसा बना है, टेस्टी? बैग में मेरे पर्स वो रखा, सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और टाइम हो रहा है 7:18, हम 8 बजे तक यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। दो दिन अगर आज हम नहीं निकले तो कल तक हम और ज़्यादा फंस जाएंगे। बस नाश्ता कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी मिलता है मारियो रस, चाय हमारी बन रही है, अंडे हमारे उबल चुके हैं, और निकलते हैं नाश्ता करके। प्रिया सुबह से ही रोड देखो कितने ज़्यादा गीले हैं, पर निकलना ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन मौसम और ज़्यादा ख़राब है, तो 2 दिन और नहीं निकल पाएंगे हम, और यहाँ पे नियर बाय कुछ भी अच्छा मतलब खाने पीने का कुछ भी नहीं है, अच्छा है ही नहीं, आपको चाय भी मिलेगी थकेली, लेकिन हम लोग तो अपना स्टोव गैस सब लेके आए थे, तो इसीलिए हमने अपनी चाय खुद ही बनाई, मतलब अपने हाथों की चाय प्लस घर वाली और प्लस टेस्टी, और वही 20 रुपये की आप चाय लेंगे या 30 रुपये की एकदम बकवास महाबकवास चाय मिलेगी, इसीलिए हमने एग बॉइल करे और वो ले आए थे, रस ले आए थे दानिश, चाय हम लोग नाश्ता करके निकले हैं सीधा। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, चप्पल जैकेट पहनी है हमने,
देख पा रही हूँ। बारिश तेज हो रही है, वीडियो में पता नहीं दिख रही है या नहीं, काफी तेज हो रही है।